दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से देवभूमि उत्तराखंड का सफर आसान और तेज होने वाला है। जी हाँ, दिल्ली से 525 किलोमीटर की दूरी पर बसे गंगोत्री का सफर 15 घंटे से घटकर महज 7 घंटे रह जाएगा। जी हाँ, ऐसा संभव हो पाएगा दिल्ली से देहरादून और देहरादून से गंगोत्री तक बन रहे एक्सप्रेसवे सहित 3 सड़क मार्ग और 4 टनल प्रोजेक्ट के कारण। संभावना है कि अगले 4 साल में ये सभी प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। फिलहाल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्थित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर मोहन टनल का काम पूरा हो चुका है। ये पूरा प्रोजेक्ट मल्टी एलिवेटेड है और नए मार्गों के बनने से दिल्ली से देहरादून का सफर 7 घंटे से घटकर 2.5 घंटे और दिल्ली से मसूरी का सफर 9 घंटे से घटकर 4 घंटे का हो जाएगा। ये है वो 4 टनल। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में यूपी और उत्तराखंड सीमा में मोहांडा टनल का काम पूरा। देहरादून चंबा टनल का प्रस्ताव पास हुआ। उत्तरकाशी बाईपास टनल का काम पूरा हुआ। उत्तरकाशी यमुनोत्री ऑल वेदर रोड टनल का काम पूरा हो चुका। न्यू ग्रीन एक्सप्रेसवे, दोस्तों इनमें सबसे बड़ा है दिल्ली से देहरादून के बीच बन रहा न्यू ग्रीन एक्सप्रेसवे। अभी दिल्ली से देहरादून की दूरी 225 किलोमीटर है। इस हाईवे के समांतरण 8 लेन का न्यू ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है। इससे 40 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोटर वाहन दौड़ पाएंगे। चंबा उत्तरकाशी ऑल वेदर रोड, गंगोत्री के लिए देहरादून से उत्तरकाशी के 2 रास्ते हैं। पहला देहरादून से ऋषिकेश, चंबा और उत्तरकाशी 5 घंटे लगते हैं। दूसरा देहरादून से मसूरी होकर उत्तरकाशी, भारत की सबसे लंबी मोटर टनल सीधे ऋषिकेश उत्तरकाशी ऑल वेदर रोड पर खुलेगी। देहरादून से उत्तरकाशी का सफर 2.5 घंटे का होगा। उत्तरकाशी गंगोत्री ऑल वेदर रोड, उत्तरकाशी से गंगोत्री का सफर लगभग 100 किलोमीटर का है। यहाँ ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। इससे 5 घंटे का सफर 2.5 घंटे का रह जाएगा। उत्तरकाशी से यमुनोत्री का 126 किलोमीटर का सफर भी घटेगा। 600 मीटर लंबी टनल लेन टनल का काम पूरा हो चुका है, जबकि पूरे हाईवे का ऑल वेदर रोड के तहत निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे राजाजी टाइगर रिजर्व से गुजरेगा। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर यहां एशिया का सबसे बड़ा 20 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनेगा। ये 12 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।